एक सवाल जो सबके मन में उठता है, माता सती पार्वती ये दोनों ही भगवान शिव की पत्नियां थी, और कुल मिलाकर भगवान शिव की कितनी पत्नियां थी, इस बारे में चर्चा आज के इस खास वीडियो में करेंगे। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हिंदू पुराणों में भगवान शिव के जीवन का जो चित्रण मिलता है वह बहुत ही विरोधाभासिक है और ना समझ में आने वाला लगता है, लेकिन शोधकर्ताओं के लिए यह बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। हालांकि समाज के मन में उनके नाम, जीवन और अन्य बातों को लेकर कोई स्पष्ट तस्वीर नजर नहीं आती। पुराणों को पढ़ने पर लगता है कि सदाशिव और महेश दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं। शिव के जिस निराकार रूप की चर्चा की जाती है, दरअसल वह पार्वती के पति नहीं है बल्कि वो तो पर ब्रह्मा सदाशिव है। उसी तरह शंकर को ही महेश कहा गया है। उक्त सभी से पहले हमें रुद्र के बारे में और वेदों के ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। खैर, ये एक अलग विषय है। चलिए जानते हैं कि आखिर उनकी पहली पत्नी कौन थी। दोस्तों, पहली पत्नी थी माता सती, जिनके बारे में आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से माता सती भगवान शिव की पत्नी बनी थी। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे, और कुछ लोग इनका स्थान कहीं और बताते हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि प्रजापति दक्ष की दो पत्नियां थी, प्रस्तुति और वर्णी। प्रस्तुति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्म और वर्णी से 7 कन्याएं। इस तरह कुल मिलाकर दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। वहीं प्रस्तुति की एक पुत्री थी जिनका नाम था सती, और यह प्रस्तुति स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री थी। और कहा जाता है कि प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा की सलाह से भगवान शंकर को अपनी पुत्री ब्याही थी, यानी कि उन्होंने सती के साथ भगवान शिव का विवाह करवाया था। वहीं उनकी दूसरी पत्नी यानी भगवान शिव की दूसरी पत्नी का नाम था माता पार्वती, जिनसे उन्हें दो पुत्रों की प्राप्ति हुई, एक गणेश और कार्तिकेय, और साथ ही इन्हें उमा भी कहा जाता है। उनकी तीसरी पत्नी थी उमा। कहते हैं पार्वती को ही उमा कहा जाता है, या उमा नाम से एक अलग देवी थी, ये जानना जरूरी है। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा जाता है। वहीं दोस्तों, कहते हैं भगवान शिव की जो चौथी पत्नी थी उनका नाम था महाकाली। कहते हैं माता पार्वती ने ही यहाँ महाकाली का रूप लिया था ताकि वह राक्षसों का पूरी तरह से विनाश कर सके। और आपने एक तस्वीर हर जगह देखी होगी जहाँ माँ काली के चरणों के नीचे भगवान शिव लेटे रहते हैं, वो इसीलिए ताकि माँ काली की जो असीम शक्तियां हैं उन पर माँ काली आसानी से काबू पा सके और वापस अपने पुराने रूप में आ सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।